मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सुर्खियों में है और लगातार शिवराज सिंह चौहान और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि जब विपक्ष के पास ज़्यादा संपत्ति निकलती है तो लगातार उनको घेरा जाता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आदित्य यादव को भी इस तरीके से घेरा गया था कि इनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है, और लगातार देखा जाए तो आज विपक्ष के तमाम नेताओं की संपत्ति पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। तो इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति पर बताएंगे कि आखिर उनके पास कितनी संपत्ति है और वो क्या क्या शौक रखते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति कितनी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये लोकसभा की मध्य प्रदेश स्थित गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। साल 2020 में ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और उसके करीब साल भर बाद ही वह केंद्रीय मंत्री भी बन गए। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य देश के चर्चित राज परिवार से संबंध रखते हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर का राजा भी कहा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के सिंधिया परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज कभी ग्वालियर शहर पर शासन किया करते थे। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने संपत्ति के ब्यौरे में बताया था कि उनके पास करीब 375 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति में पिता और परिवार से विरासत में मिली संपत्ति भी शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास करीब 12 करोड़ रुपए के जो है यहाँ पर गहने और सोना चांदी तमाम चीजें हैं, ये उन्हें विरासत में मिली हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि उनके पास 50 लाख के सोने के कप और 9 कैरेट के यहाँ पर तमाम गोल्ड के आइटम हैं। इसके साथ ही करीब 20,000 रुपए का सिगरेट रखने का केस भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के उस राजघराने से ताल्लुक रखते हैं जिसने कभी यहाँ पर राज किया था। उनके दादा जिवाजी राव सिंधिया सिंधिया राजघराने के आखिरी मराठा जो है महाराज थे। इस राजघराने का मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शासन है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास तमाम कार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है कार वगैरह का, ये भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि इनके तमाम अड्डे भी हैं, यानी कि ग्वालियर में भी इनका मकान है, दिल्ली में इनका मकान बताया जा रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के इंदौर और तमाम राजधानी भोपाल में भी इनके घर और हाउस की बात की जा रही है। लेकिन 375 करोड़ की चल और अचल संपत्ति पर सवाल लगातार विपक्ष ने किए भी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति जो है और भी बढ़ेगी, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शौकीन व्यक्ति हैं, यानी कि उनको घर और बंगला बहुत पसंद है। इसके साथ साथ जो है सोने चांदी के जो जवाहरात की बात यहाँ पर की गई है वो भी वो अपने पास रखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो संपत्ति है उस पर चर्चाएं होती रहती हैं कि आखिर इतना पैसा सब कुछ कैसे आया, प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत होती रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2019 के बाद से लगातार जो है यहाँ पर 375 करोड़ की जो चल और अचल की संपत्ति है इस पर कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल खड़े नहीं किए थे, लेकिन जब से वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं तब से लगातार उन पर यहाँ पर सवाल खड़े किए जाते हैं। मार्च 2020 में दायर हलफनामे के मुताबिक सिंधिया की कुल चल संपत्ति की जो बात की गई है वो यहाँ पर 359,31,900 रुपए की बताई गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पैतृक चल संपत्ति 45 करोड़ 24 लाख रुपए बताई है, जबकि उनके पास कुल पैतृक अचल संपत्ति 2,97,00,000,000 रुपए की है। सिंधिया के पास 1,81,00,000,000 की पैतृक कृषि योग्य भूमि भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न बैंकों में काफ़ी जमा पूंजी भी रखी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक डिपॉजिट भी किए गए हैं, जबकि पत्नी के पास यहाँ पर जो है 662,492.50 रुपए, यानी कि लगभग बताई जा रही है यहाँ पर कि 66,24,000 संपत्ति यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं बेटे के नाम यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि उनके पास यहाँ पर 1,21,46,00,000
यहाँ पर 1,21,04,622 रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम लोगों की संपत्ति पर बात की गई है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 दिसंबर 1994 को प्रियदर्शनी राजे से शादी की थी और उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं कार और तमाम चीज़ों की शौकीन है। ये सब कयास के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन जो संपत्ति है उस संपत्ति पर लगातार चर्चाएँ होती रहती हैं। तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट को, इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके के शौकीन यहाँ पर सिंधिया हैं और इस शौक को शिवराज सिंह चौहान भी बरकरार रखते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के पास सिंधिया से कम संपत्ति बताई जाती है, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी के नेताओं पर जो है तमाम एजेंसियाँ क्यों काम नहीं करती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो संपत्ति है ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि वो कितने अमीर हैं और कितने उनके शौक हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।